तो दोस्तों आज से हम जेड डायनेस्टी का सीजन 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें सीजन 1 के 10 साल बाद की कहानी को दिखाया जाएगा, जहां सीजन 1 के लास्ट में बियाओ तो मारी गई थी। इसी वजह से शिया फान ने उसका डीमन सेट ज्वाइन कर लिया होता है, क्योंकि अब उसे इंसानों से काफी ज्यादा नफरत हो चुकी है। और इन 10 सालों में उसे बियाओ के फादर ने ही कल्टिवेशन करना सिखाया है, जिस वजह से शिया फान के पास काफी सारी डिमोनिक कल्टिवेशन पावर आ चुकी है। उसी का इस्तेमाल करते हुए वो सारे लोगों से अपना बदला लेना चाहता है। यही कहानी हमें सीजन 2 में दिखाई जाएगी। तो सीजन 2 के स्टार्ट में हम एक गांव का सीन देखते हैं, जहां पर काफी ज्यादा तूफान आया हुआ था, इसलिए सारे के सारे लोग एक होटल में आकर पनाह लेने लगते हैं। और वहां आने के बाद वो सभी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जहां सारे लोगों का ये कहना होता है कि सारे के सारे डीमन सेट आपस में मिलते जा रहे हैं, न जाने इसके पीछे उनकी क्या वजह हो सकती है, उन लोगों का जरूर कुछ ना कुछ प्लान होगा। सभी अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं कि उनका ये प्लान हो सकता है, लेकिन तब वहां पर उस फॉर्च्यून टेलर की बेटी आती है, जिसे हमने सीजन 1 में भी देखा था, लेकिन तब वो वहां पर छोटी थी। और उस फॉर्च्यून टेलर ने शिया फान को पिछले सीजन में भी कई सारी बातें बताई थी। फॉर्च्यून टेलर की बेटी का नाम जोई होता है। वो वहां पर सारे लोगों को शांत करवाते हुए कह रही होती है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता कि आखिर डीमन सेट आपस में क्यों जुड़ रहे हैं, उनके पीछे एक बहुत ही बड़ी और खास वजह है। ये सारी चीजें 10 साल पहले से शुरू हुई थी, तुम लोग नहीं जानते कि आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था, अगर जानते होते तो तुम लोग आज ये सवाल नहीं कर रहे होते। तब वो जो फॉर्च्यून टेलर होता है उन सभी को कहानियां बताना शुरू कर देता है कि आखिर 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, जिस वजह से ह्यूमन और डीमन के बीच में इतनी बड़ी फाइट छिड़ चुकी है। जहां वो इस बात से शुरू करता है कि 10 साल पहले शिया फान नाम का एक कमजोर डिसाइपल था, जिसे डीमन सेट की एक लड़की से प्यार हो गया था, और वो दोनों काफी ज्यादा एक साथ रहने लग गए थे। साथ ही शिया फान के पास एक डिमोनिक पल था, जिस वजह से उसकी पावर उसके बॉडी के अंदर जा चुकी थी, और इस वजह से शिया फान के पास कई सारी डिमोनिक कल्टिवेशन पावर आ गई थी। साथ ही उस पल की पावर उसके स्टिक में चली गई थी, जिस वजह से उसकी स्टिक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। लेकिन शिया फान इस बात से अनजान था कि उसके पास डिमोनिक पावर है, इसलिए वो इंसानों के साथ रहता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इंसानों को पता चला कि शिया फान डिमोनिक चीजों को कल्टिवेट करता है, तो उन सभी ने उसे अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो सभी उसके जान के दुश्मन पड़ गए। लेकिन तब उसे बचाने के लिए बियाओ आ गई, जो कि वही डीमन सेट की लड़की थी जिसे शिया फान पसंद करता था। और जब वो शिया फान को वहां पर बचाने की कोशिश कर रही थी, तो इस वजह से बीच में आने की वजह से उसकी वहां पर जान चली गई। इस चीज का सदमा शिया फान बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी के बाद से ह्यूमन और डीमन के बीच काफी जबरदस्त फाइट छिड़ चुकी है, जिस पर सारे लोग उस फॉर्च्यून टेलर से पूछ रहे होते हैं, तो अभी शिया फान कहां पर चला गया, 10 साल से तो किसी ने उसका नाम और निशान नहीं सुना है। तब पूरे के पूरे होटल के अंदर अजीब सा ऑरा फैलने लगता है, क्योंकि वहां पर तूफान सा आ रहा था, और ये तूफान किसी और चीज की वजह से नहीं बल्कि शिया फान की वजह से ही आया होता है, क्योंकि वो उस होटल के अंदर आकर एक टेबल पे बैठ चुका था, जिसके आने से ही यहां पर इतना बड़ा तूफान आ गया था। क्योंकि अब शिया फान पिछले सीजन वाला कमजोर शिया फान नहीं है, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर आ चुकी है। अगले सीन में हम डीमन और ह्यूमन के बीच हो रही एक फाइट को देखते हैं, जहां पर दोनों तरफ से सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। और यहां पर ज्यादातर डीमन सेट के लोग आए हुए थे, जो सभी यहां पर इंसानों को खत्म किए जा रहे होते हैं। और ये सारे लोग वही होते हैं जिसे हमने पिछले सीजन में भी देखा था, जिनके साथ शिया फान की काफी बार फाइट हुई थी। वो लोग यहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे इंसानों के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, जिस वजह से इंसानों को उनका मुकाबला करने में परेशानी हो रही थी। लेकिन तब भी इंसानों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर उन डीमंस का मुकाबला किया था, जिस वजह से इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। दोनों तरफ से काफी ज्यादा फाइट चलते जा रही थी, ऐसा तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन यहां पर जीतने वाला है और कौन यहां पर हारने वाला है। और ऐसी ही लड़ाई पिछले 10 सालों में कई बार हुई है, आए दिन ह्यूमन और डीमन लड़ते ही रहते हैं, इन दोनों के बीच कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। इसी वजह से आज भी ये दोनों यहां पर लड़ ही रहे होते हैं, ताकि एक दूसरे को खत्म कर सके। जिसके बाद डीमन सेट का जो एल्डर होता है, जिसका नाम तियान था, उसने वहां पर अपनी डीमन आई को समन कर लिया था, ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे इंसानों का यहां पर खात्मा कर सके। लेकिन जैसे ही वो अपनी डीमन आई का इस्तेमाल करके इंसानों के ऊपर अटैक करता, इससे पहले ही वहां पर शिया फान आ जाता है, जो वहां पर अपने डिमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डीमन हैंड लेकर आ जाता है, जिसके अंदर उसने तियान की डिमोनिक आई को पकड़ लिया था। और वो पकड़ने के बाद उसे वहां पर दबा देता है, जिस वजह से तियान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि उसकी वहां पर डीमन आई खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद शिया फान जैसे जैसे अपना कदम बढ़ा रहा होता है, चारों तरफ की जगह बिल्कुल टूटने लग गई थी। ये देखकर तो सभी लोग हैरान रहते हैं कि आखिर ये है कौन और यहां पर ये क्या करने के लिए आया है। इसकी पावर तो इतनी ज्यादा लग रही है कि इसके ऑरा से ही कई सारे लोग यहां पर मारे जा रहे हैं। और बिल्कुल वैसा हो भी रहा था, जैसे जैसे शिया फान आगे बढ़ रहा होता है, उसके डिमोनिक ऑरा की वजह से कई सारे इंसान और डीमन वहां पर बस मारे जा रहे थे, जिस वजह से सभी लोग एकदम घबरा चुके थे कि अब वो यहां पर जाए तो जाए कहां। किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो शिया फान के पास जाकर उससे फाइट कर सके, क्योंकि कोई भी उसके 10 कदम दूर तक भी नहीं खड़ा हो पा रहा था। उसका डीमन ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से बाहर निकल रहा होता है कि उसके ऑरा से कई सारे लोग वहां पर मारे जा चुके थे। इससे सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि वो यहां पर शिया फान से तो फाइट नहीं कर सकते, इसलिए सारे के सारे लोग वहां पर शिया फान के सामने सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। और इसमें तो सबसे पहले वो इंसान ही थे जिन्होंने सबसे पहले शिया फान के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था। ये देखकर तियान जो होता है वो भी समझ जाता है कि वो यहां पर शिया फान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो भी वहां
वहां पर अपने सारे के सारे डीमन के साथ शाओ फान के सामने सरेंडर करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तब वहां पर उसके साइड का एक आदमी आता है जिसका नाम वाइल्ड डॉग था। वो यहाँ पर ध्यान से कह रहा होता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो हमेशा से हमारे सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर रहे हैं ना, तो आप इसके सामने कैसे झुक सकते हैं, ये चीज आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, मैं अपने डीमन सेट को कभी भी धोखा नहीं दे सकता इस शाओ फान के सामने सरेंडर करके, इसलिए मैं कभी भी इसके सामने सरेंडर नहीं करूंगा, इसलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि इसको सरेंडर मत करो, उससे अच्छा तो हम लोगों को यहाँ पर मर जाना चाहिए, इस शाओ फान के हाथों मरने से तो अच्छा ही होगा। ये सुनकर तो तियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर शाओ फान के सामने सरेंडर ना करे तो आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि शाओ फान उसे ऐसा तो नहीं छोड़ने वाला, लेकिन उसके पास दूसरा कोई भी चारा नहीं था शाओ फान के सामने सरेंडर करने के लिए, इसलिए वो अपना लीडर वाला बैज उठाकर सीधा वाइल्ड डॉग को ही दे देता है और उसे कहता है लो और तुम खुद ही आगे से हमारे सेट को संभाल लो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। जो देखा तो वाइल्ड डॉग भी हैरान था कि आखिर इस तियान को यहाँ पर हो क्या गया है, लेकिन वाइल्ड डॉग जो होता है अभी भी शाओ फान के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। वो वहां से आगे बढ़ते हुए खाई के पास आ जाता है जहाँ वो सभी से कह रहा होता है मैं यहाँ पर मर जाऊंगा लेकिन शाओ फान के सामने कभी भी कुछ सरेंडर नहीं करूंगा। उसके बाद शाओ फान जो होता है बिजली की रफ्तार के साथ सीधा वाइल्ड डॉग के पास ही आ जाता है। वाइल्ड डॉग को तो लग रहा था कि वो यहाँ पर उसे मार देगा, लेकिन शाओ फान उसे मारता नहीं है, क्योंकि उसकी हिम्मत देखकर शाओ फान को काफी ज्यादा हैरानी हुई थी। वो वहां पर उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर तुमसे ये कहने के लिए आया कि तुम आगे से मेरे साथ रह सकते हो, अगर तुमने इस ऑफर को ठुकरा दिया तो वैसे भी तुम्हारे कई सारे दुश्मन बन चुके हैं जो तुम्हें कभी भी मार डालेंगे, इसलिए भलाई इसी में होगी कि तुम्हें मेरा ऑफर मान लेना चाहिए और मेरे साथ हो जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है वाइल्ड डॉग के ऊपर उसका डिसीजन छोड़ने के लिए कि वो यहाँ पर शाओ फान का साथ रह देना चाहता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो उसका साथ नहीं देगा तो वो वाइल्ड डॉग अभी अकेला हो जाएगा, उसके बाद तो ह्यूमन मिलकर उसे मार ही डालेंगे। जिसके बाद शाओ फान वहां से अपना आगे का सफर शुरू कर देता है जहां पर उसके पास वो मंकी भी होता है जो उसे पिछले सीजन में मिला था, और अब से वो मंकी हमेशा से शाओ फान के साथ ही रहता है। उसके बाद शाओ फान वहां से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम किन्यू सेट का सीन देखते हैं जहां पर पहले शाओ फान यहां का डिसाइपल हुआ करता था। वहां पर उस सेट का जो गार्डियन ड्रैगन होता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, इसलिए वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बाहर आ जाता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि यहां पर ये गार्डियन ड्रैगन क्या करने के लिए आया है, इसलिए वो सभी वहां पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते ताकि यहां पर गार्डियन ड्रैगन को शांत कर सके, वरना तो यहां पर वो बड़ी ही आसानी के साथ इस पूरे के पूरे सेट को यहां पर खत्म कर सकता है। वहां पर सेट के एक एक करते हुए जीनियस डिसाइपल आ रहे होते हैं तो ताकि वो सारे के सारे लोग मिलकर यहां पर उस ड्रैगन को शांत कर सके, लेकिन वो ड्रैगन तो यहां पर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने वहां पर शायद शाओ फान के डीमन ऑरा को महसूस कर लिया होगा जिस वजह से वहां पर वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन तब उस ड्रैगन को शांत करने के लिए वहां पर जू की आ जाती है जो वहां पर अपनी फॉर्मेशन और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफी खतरनाक वाला अटैक उस ड्रैगन के ऊपर ही कर देती है ताकि वो ड्रैगन वहां पर शांत हो सके। और जैसे शाओ फान की न्यू सेट के वहां से आगे बढ़ जाता है वो ड्रैगन भी यहाँ पर खुद ब खुद धीरे धीरे शांत होने लग गया था। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। ये देखकर तो सारे डिसाइपल की जान में जान आती है कि चलो आखिरकार ये ड्रैगन यहाँ पर शांत तो हुआ। उन सभी को लग रहा होता है कि यहाँ पर जूकी की वजह से वो ड्रैगन शांत हुआ है, जबकि असल में तो वो ड्रैगन शाओ फान के वहां से आगे बढ़ जाने की वजह से शांत हुआ था, क्योंकि शाओ फान का ऑरा इतनी दूर तक फैला हुआ था कि उस वजह से काफी दूर होने के बाद भी उस ड्रैगन ने उसके ऑरा को महसूस करके डर गया होता है। दूसरी तरफ हम शाओ फान को देखते हैं जो उस जगह पर आया होता है जहां पर बियाओ की बॉडी को रखा गया है। अब वो यहां पर बियाओ की बॉडी से ही मिलने के लिए आया होता है क्योंकि उसने पूरे 10 सालों तक बियाओ की बॉडी को बर्फ में रखते हुए उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि उसे खरोंच तक ना आ सके, और हर दिन वो यहां पर उसे मिलने जरूर आता है। जहां आने के बाद वो बियाओ से कह रहा होता है तुम्हारे फादर की वजह से आज मैंने डीमन सेट के ऊपर भी अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, वहां के कई सारे लोगों ने मेरे सामने सरेंडर कर दिया है क्योंकि तुम्हारे फादर ने मुझे कई सारी कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई है। जिसके बाद वो वहां पर बियाओ के साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर रहा होता है और उसे भी उसके बारे में बता रहा होता है ताकि यहाँ पर शाओ फान का थोड़ा टाइम पास हो सके, कि जब भी वो बियाओ की बॉडी के साथ रहता है उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है क्योंकि इस दुनिया में अब सिर्फ वही है उसके पास जिससे वो खुलकर अच्छे से बातें कर सकता है और हंसी मजाक भी कर सकता है। लेकिन तभी उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं क्योंकि उसे वो चीज याद आ गई थी जब उसके लिए बियाओ ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। उसने 10 सालों में बहुत ज्यादा मेहनत की है ताकि वो बियाओ को दोबारा से रीइनकार्नेट कर सके, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब, वो पूरी कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह से बियाओ को रीइनकार्नेट कर सके, लेकिन अभी तक वो कामयाब हो ही नहीं पाया, उसकी सारी कोशिशें बिल्कुल नाकाम होते जा रही है। वहीं पर बियाओ की आंट भी होती है जो शाओ फान को यहाँ पर देख रही होती है, पर तब वहां पर उसके सेट का एक दूसरा एल्डर आ जाता है जो यहाँ पर बियाओ की आंट से कहता है तुम्हें यहाँ पर शाओ फान से मिलने नहीं आना चाहिए, जानता हूँ मैं कि शाओ फान हर बार बियाओ की बॉडी से मिलने के लिए आता है लेकिन तब भी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, इसलिए तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। बियाओ के फादर ने उसे कल्टीवेशन पावर सिखाई है जिस वजह से शाओ फान पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है और ये पिछला वाला कमजोर शाओ फान बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन तब भी वहां पर बियाओ की जो आंट होती है उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और उसे बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जिंगयू को देखते हैं जो कि शाओ फान का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और वो ड्रैगन पीक का डिसाइपल था, लेकिन अब उसने वहां से खुद को हटा लिया होता है क्योंकि ड्रैगन पीक का जो मेन एल्डर था उसने ही डीमन के साथ हाथ मिला लिया था, जिस वजह से जिंगयू का अब दूसरा एक मास्टर हो गया होता है
जिसके साथ ही जिन्यू अब रहता है। जिसके बाद वहाँ पर जो एल्डर होता है वो कई सारी मोमबत्ती को जिन्यू की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि जिन्यू के पास अभी कितनी कल्टीवेशन पावर आई है। इसलिए जिन्यू वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारी मोमबत्ती को एक सेकंड के अंदर ही काट देता है। ये देखकर तो वो जो एल्डर था वहाँ पर जिन्यू से खड़ा होता है, तुमने इन 10 सालों के अंदर खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लिया है, जितना कि मैंने सोचा था तुम उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। ये सुनकर जिन्यू जो होता है उस एल्डर का वहाँ पर शुक्रिया करने लगता है उसकी तारीफ करने के लिए। इसके बाद वो जो एल्डर होता है जिन्यू को यहाँ पर कह रहा होता है, क्या तुम जानते हो कि न्यू सेट के अंदर कई सारे अलग अलग सेट के लोग एक साथ आकर जमा हो रहे हैं? मुझे तो शक है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसी वजह से सारे के सारे लोग वहाँ पर जाकर जमा हो रहे हैं। उसी तरह से जैसे कि न्यू सेट में अलग अलग सेट शामिल हो रहे हैं, वैसे ही डीमन सेट के अंदर भी कई सारे डीमन सेट जाकर शामिल होते जा रहे हैं। इन सभी के बीच हो सकता है बहुत ही बड़ी फाइट शुरू होने वाली हो। ये सुनकर तो जिन्यू भी सोच रहा होता है कि उसे भी वहाँ पर न्यू सेट के अंदर जाना चाहिए, लेकिन उसे डर लग रहा होता है कि यहाँ पर वो एल्डर उसे यहाँ से जाने देंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि इतने सालों से वो उनके पास ही रहा था और ऐसे वो उसे छोड़ के जाएगा तो उस एल्डर को काफी बुरा लग सकता है। इसलिए उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पर वो एल्डर को कह सके कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन उसके कहने बगैर ही वो जो एल्डर होते हैं वो समझ चुके थे कि जिन्यू यहाँ से उसी जगह पर जाना चाहता है ताकि देख सके कि आखिर सारे लोग वहाँ पर क्यों जमा हो रहे हैं। इसलिए वो उसे वहाँ पर जाने की परमिशन दे देते हैं। ये देखकर तो जिन्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस एल्डर का वहाँ पर शुक्रिया करने लगता है, जहाँ वो उनसे कह रहा होता है इन सालों में आपने जो भी मुझे सिखाया उससे मैं कभी नहीं भूल सकता और आपकी सिखाई हुई सारी की सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जितने भी डीमन हो सकते हैं उन सभी को खत्म करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। कि जाने के बाद वहां पर किन्यू सेक का जो मेन एल्डर होता है वो वहां पर आ जाता है और उस एल्डर का वहां पर शुक्रिया करने लगता है इन 10 सालों तक के जिन्यू को संभालने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने शियाफान के ऊपर जूजियान स्क्वाड का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया था तभी से जिन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसके बाद ही वो सेट को छोड़कर चला गया था। जिसके बाद इस एल्डर ने उसे यहाँ पर संभाला है, वो भी मेन एल्डर के कहने की वजह। इसलिए वो यहाँ पर आकर उस एल्डर का शुक्रिया कर रहा होता है जिन्यू को 10 सालों तक के संभालने के लिए और उसे अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। दूसरी तरफ हम बियाओ के फादर को देखते हैं जिनका नाम वांग था। वहाँ पर शियाफान आ जाता है। इसे देखकर वांग उसे कह रहे होते हैं तुम जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर सारे के सारे लोगों को मार कर आते हो, लेकिन आज तुमने किसी एक इंसान को छोड़ दिया है जिसका नाम वाइल्ड डॉग है। जो सुनकर तो वांग जो होता है शियाफान से कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर जो डिमोनिक पावर थी वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, तभी तुमने एक इंसान को वहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे अभी यहाँ पर तुमसे कुछ और जरूरी खास बात करनी है। क्या तुम जानते हो कि सारे ह्यूमन और डीमन सेट आपस में मिल चुके हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे के काफी ज्यादा दुश्मन बन चुके हैं? जिसके बाद वो सारे के सारे लोग किसी वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर जाकर मिलने वाले हैं। मैंने तो यहाँ तक ये भी सुना है कि वहाँ पर किसी तरह का बहुत ही खास तरह का ट्रेजर आने वाला है, उसे ही लेने वहाँ पर ह्यूमन और डीमन दोनों जाएंगे, जिनके बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होगी। जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे ही वहाँ पर वो ट्रेजर मिलने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास भी वो ट्रेजर आ जाए उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम भी वहाँ पर जाओगे और वहाँ जाने के बाद उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करोगे ताकि हमारा जो डीमन सेट है वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन सके। जिसके बाद तो किसी भी इंसानों के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे सेट के ऊपर आंख उठाकर भी देख सके। तो बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम भी वहां पर जाना चाहते हो? जिस पर शियाफान जो होता है वो कह रहा होता है हमारे डीमन सेट के साथ भी 4 अलग अलग सेट आपस में मिले हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा सेट और वांडू सेट है, लेकिन हम दोनों से भी ज्यादा पावरफुल चान शेंग सेट है, जिनके पास हम दोनों सेट से थोड़ी सी ज्यादा पावर है। लेकिन सारे के सारे डीमन सेट वाले भी बस यही चाहते हैं कि हमारा कब्जा दूसरे के सेट के ऊपर हो जाए, जिस वजह से उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें किसी के ऊपर भी उतना ज्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब कौन हमारे दोस्तों में से हमारा दुश्मन निकल कर आ जाए। इसलिए हमें जो भी कदम उठाना होगा वो काफी ज्यादा सोच समझ के उठाना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अगर हमने किसी गलत इंसान के ऊपर उंगली उठा दी तो हो सकता है वो हमारा दोस्त होने के बाद हमारा दुश्मन बन जाए। इसलिए हमें जैसा खेल चलते हुए आ रहा है वैसे ही चलना है। किसी को भी शक होने नहीं देना है कि हमें दूसरे के ऊपर शक हो सकता है। जैसा हम खेल पहले से खेलते आ रहे थे वैसे ही हम खेलेंगे। बस एक बार हमारे पास वो ट्रेजर आ जाए उसके बाद तो सारे लोगों को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए। ये सुनकर तो वांग जो होता है शियाफान से कह रहा होता है तुम बिल्कुल वैसा ही सोचते हो जैसा कि मैं सोचता हूँ, तुमने तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल ही इम्प्रेस करके रख दिया। जिस पर शियाफान कहता है आखिर मैं ऐसा कैसे ना सोचूं, पिछले 10 सालों में तो आपने मुझे अपनी सारी की सारी चीजें सिखा दी है और इतनी सारी आपकी चीजें सीखने के बाद मैं आपकी तरह सोच भी ना सका, तो मेरा इतनी सारी चीजों को सीखने का आखिर फायदा क्या हुआ? जिस पर वांग जो होता है शियाफान से कह रहा होता है मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसे सीखना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था जिससे तुमने बस 10 सालों के अंदर ही सीख लिया। ये बिल्कुल रेयर है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि इतनी सारी चीजों को वो 10 साल के अंदर ही सीख जाए, पर तुमने ये काम करके दिखा दिया।
इसलिए अब तुम जाकर उस ट्रेजर को लेने की कोशिश कर सकते हो। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम पूरी कोशिश करोगे ताकि उस ट्रेजर को हासिल कर सको। ये सुनकर शियाफान जो होता है वहां से उस ट्रेजर को लाने के लिए वहां से जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वांग जो होता है उसे रोक कर कहता है, रुक जाओ, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। तुम भले से ही हमारा साथ देते हो, लेकिन तुम इस बात को भूल मत जाना कि तुम कि पहले ह्यूमन का साथ देते थे और डीमन को दुश्मन मानते थे। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे पुराने वाले ख्याल दोबारा से वापस सामने निकल कर आ जाए। इसके बाद वो उसे एक लेटर भी दे देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि डीमन सेट के जितने भी लोग होंगे वो सभी शियाफान का ही ऑर्डर मानते हुए उसके साथ उस ट्रेजर को लाने के लिए जाएंगे। सभी लोगों का शियाफान वहां पर लीडर होने वाला है ताकि वो सारे के सारे लोग मिलकर उस ट्रेजर को वहां पर हासिल कर सके। तो शियाफान जो होता है वांग से कह रहा होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम किन्यू सेट का सीन देखते हैं जहां पर सारे के सारे डिसाइपल को एल्डर ने बुलाया होता है, क्योंकि यहां पर सभी मिलकर उसी ट्रेजर को लाने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद वहां पर सेट का मेन एल्डर और बाकी सारे लोग भी आकर जमा हो जाते हैं। और तब वहां पर वो मैसेंजर आता है जो कि सेट के एल्डर को आगे क्या करना है इसके बारे में बताता है। वहां पर मैसेंजर आने के बाद सभी को बता रहा होता है कि कुछ दिनों बाद वेस्टर्न स्वॉम्प के अंदर एक बहुत ही खास ट्रेजर आने वाला है जिससे हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेजर हम कैसे भी करके डीमंस के हाथों नहीं लगने दे सकते, क्योंकि अगर एक बार वो ट्रेजर डीमन के हाथों लग गया तो उसके बाद इंसानों की इतनी बुरी तरह की बर्बादी होगी जिसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमें पूरी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है ताकि हम जहां जाकर उस ट्रेजर को हासिल कर सके। इसी चीज में हमारी मदद त्यानिन टेंपल के लोग और फैंगशान वेला के भी लोग करने वाले हैं। वो लोग भी अपने अपने डिसाइपल को हमारी मदद करने के लिए वहां पर भेजेंगे ताकि सारे के सारे ह्यूमंस मिलकर उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश कर सके। जिसके बाद अगर हमारे पास वो ट्रेजर आ जाता है तो वो डीमंस हमारे सामने झुक रहेंगे, वो हमारे सामने खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उस ट्रेजर की वजह से काफी ज्यादा पावर आ जाएगी। जिस पर सारे के सारे जो डिसाइपल होते हैं उनके अंदर भी जोश चढ़ने लगता है। वो सभी यहाँ पर तैयार हो जाते हैं कि हम यहाँ पर उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम दुश्मनों को दिखा सके कि हम भी किसी से कम नहीं है। इसके बाद अब देखते ही देखते अलग अलग सेट के सारे डिसाइपल आपस में आते हुए जमा होना शुरू हो गए थे ताकि सभी वहां से उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए जा सके, क्योंकि यहाँ पर जैसे वो ट्रेजर को हासिल करने जाएंगे वहां पर डीमंस भी होंगे। जबकि दोनों आपस में मिलेंगे तब उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट होगी, इसे सभी को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और जब सारे लोग वेस्टर्न स्वॉम्प के अंदर जा रहे होते हैं वहां पर वो फॉर्च्यून टेलर भी आ जाता है जो कि जोई के साथ था। वो जब इतने सारे लोगों को यहाँ पर जमा होते हुए देखता है तो वो खुद में कह रहा होता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, इसी चीज की सारे लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि इस बार की लड़ाई में ह्यूमंस की जीत होगी या फिर डीमंस की, लेकिन जो भी हो ये लड़ाई तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। वही हम शियाफान को भी देखते हैं जो कि अपने उसी स्टिक पे सवार होकर वहां से वेस्टर्न स्वॉम्प के अंदर जाना शुरू कर देता है कि वो हमारे सेट से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वहां पर चांग शेंग सेक का जो एल्डर होता है वो उस टाइम को याद कर रहा होता है जब किन्यू सेक के मेन एल्डर ने वहां पर अपनी जूजियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डीमन का वहां पर खात्मा कर दिया था। इस चीज को याद करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उस लड़ाई के अंदर उसके सेट के कई सारे लोग मारे जा चुके थे और उसी के बाद से उसका सेट धीरे धीरे करते हुए कमजोर पड़ते जा रहा है। इसलिए वहां पर वो ये डिसाइड करता है कि अब कैसे भी करके मुझे वो ट्रेजर हासिल करना ही पड़ेगा। एक बार मेरे पास वो ट्रेजर आ जाए उसके बाद तो मैं सारे के सारे लोगों से अपना बदला ले लूंगा। मुझे अपने सेट के जितने भी खास डिसाइपल हो सकते हैं उन सभी को वहां पर भेजना चाहिए ताकि वो सभी मिलकर उस ट्रेजर को लाने की कोशिश कर सके, क्योंकि हमारे सेट की सारी उम्मीदें बस उस ट्रेजर के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर इस बार भी वो हमारे पास नहीं आया तो हमें नहीं लगता कि आगे चलकर ये सेट उतना ज्यादा मजबूत रह पाएगा। बाकी सारे दुश्मन हमारे सेट के ऊपर हमला करके इसे खत्म करने की कोशिश कर देंगे और सेट का एल्डर होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सेट को प्रोटेक्ट करूं और इसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनाऊं ताकि दुश्मन हमारे सेट का नाम सुनते ही कांप जाए। और ये चीज तो मैं कैसे भी करके ही रहूंगा। उसके बाद हम एक गांव का सीन देखते हैं जहां पर फॉर्च्यून टेलर और जूई भी होते हैं, जहां से नजदीक ही वो वेस्टर्न स्वॉम्प आता है जहां पर सारे के सारे लोग जमा होने वाले हैं क्योंकि वहीं पर वो ट्रेजर आएगा। वहां आने के बाद जूई जो होती है फॉर्च्यून टेलर से पूछ रही होती है कि क्या सच में ये वेस्टर्न स्वॉम्प इतना ज्यादा खतरनाक जगह है जहां पर काफी सारे कीमती ट्रेजर है, यहां पर जरूर कोई ना कोई खास ट्रेजर तो हो गई, तभी तो सारे के सारे लोग यहां पर आना चाहते हैं ताकि उस ट्रेजर को हासिल कर सके। जिस पर फॉर्च्यून टेलर जो होता है उससे कह रहा होता है ये वेस्टर्न स्वॉम्प जितना ज्यादा अच्छा दिखाई देता है उतना ही ज्यादा खतरनाक है, यहां पर लाखों की तादाद में पॉइजनस बीस्ट वगैरह है जो एक सेकंड के अंदर लोगों की जान लेने के लिए यहां पर तैयार रहते हैं। और हाँ, जैसा कि तुमने कहा कि वहां पर कोई खास तरह का ट्रेजर है तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन वो ट्रेजर अभी तक के बॉर्न नहीं हुआ है, उसे बॉर्न होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार अगर वो ट्रेजर बॉर्न हो जाए तो उसके बाद उस ट्रेजर को छीनने की सारे लोगों में हुड़ मच जाएगी, सारे लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे ताकि उस ट्रेजर को छीन सके और उस टाइम जो तबाही होगी उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उस टाइम न जाने कितने इंसान और डीमन मारे जाएंगे उसकी तो गिनती तक नहीं होगी, क्योंकि तुम अभी देख सकती हो कि अभी तक के दो ट्रेजर यहाँ पर बॉर्न हुआ ही नहीं है और अभी से ह्यूमन और डीमन कितना ज्यादा आपस में फाइट कर रहे हैं ताकि सबसे पहले उस ट्रेजर को हासिल कर सके। इसलिए उस ट्रेजर को हासिल करना इतना आसान काम नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वही उस ट्रेजर को हासिल कर पाएगा। तो वहीं हम कुछ ह्यूमन और डीमन के बीच हो रही फाइट को देखते हैं जहां पर डीमन थोड़े ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, लेकिन तब वहां पर उनके अटैक को खत्म करने के लिए जूकी आ
आ जाती है, जो अपने फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डीमन को वहाँ पर मार गिराती है। और उसके फॉर्मेशन के सामने तो कोई भी नहीं टिक पा रहा था, जिसके बाद अब देखते ही देखते वहाँ पर त्यानिन टेम्पल के मॉन्क और फैंशियल वैली के जो भी लोग होते हैं वो सारे वहाँ पर आकर जमा हो चुके हैं। ये देखकर तो सारे के सारे डीमन वहाँ पर घबरा जाते हैं, और उन्हें समझ आ चुका था कि वो इतने सारे लोगों से एक साथ यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ से भागने का ही डिसाइड करते हैं। जिसके बाद सारे के सारे डीमन ने डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर दिया था, और अब यहाँ पर तीनों की तीनों सेट आपस में आकर मिल गए होते हैं, जो सभी यहाँ से डीमन का मुकाबला करते हुए उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए जाएंगे, जिसमें किन्यू सेक, फैंगशान वैली के लोग और त्यानिंग टेम्पल के मॉन्क वगैरह होते हैं। जहाँ आने के बाद सारे लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि आगे से सभी को एक टीम की तरह इस मिशन को पूरा करना होगा, क्योंकि अगर वो सभी अलग हो जाएंगे तो डीमन्स तो वैसे ही यहाँ पर उनका खात्मा कर सकते हैं। इसलिए सारे लोग यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि चलो अब टाइम आ चुका है डीमन को उनकी औकात दिखाते हुए उस ट्रेजर को हासिल करने का। उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पर आखिर क्या करके दिखा सकते हैं। इसके बाद सारे के सारे लोगों ने उसी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था जहाँ पर उन्हें शक होता है कि वहाँ पर वो ट्रेजर बॉर्न होने वाला है। उसी तरफ हम उस वाइल्ड डॉग को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब वो आगे जाए तो जाए कहाँ। उसका सेट भी उससे छूट गया था, और उसने शियाफान के साथ ना रहने का डिसाइड किया होता है ताकि वो अकेले ही अपना नया सफर शुरू कर सके। तब उसे आगे बढ़ते हुए गाँव के अंदर फॉर्चून टेलर और जोई दिखाई देते हैं, जो वहाँ पर सभी को उनका भविष्य बता रहे होते हैं, क्योंकि फॉर्चून टेलर का तो काम ही है उन्हें उनका भविष्य बताना पैसों के बदले। जो देखकर तो वो जो वाइल्ड डॉग होता है सोच रहा होता है, ये लोग तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि कोई भी किसी का फ्यूचर बता दे, ये तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। इन लोगों को पैसा देना बिल्कुल पैसे की बर्बादी होगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर चांशेंग सेक के डिसाइपल आ चुके थे, जो सभी यहाँ पर आकर इस गाँव वालों को भगाने वाले होते हैं। ये देखकर गाँव के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर चांशेंग सेक के सभी लोगों से कह रहे होते हैं, तुम लोग यहाँ पर हर बार आते हो, हमेशा परेशान करने की कोशिश करते हो, इसलिए आज हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर चांशेंग सेक के जो डिसाइपल होते हैं उनसे फाइट करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते, और चांशेंग सेक के डिसाइपल ने उन सभी को वहाँ पर मारकर दूर फेंक दिया होता है। जिसके बाद वहाँ पर जो एक सीनियर डिसाइपल होता है सारे अपने साथियों से कह रहा होता है, एक एक को पकड़ कर यहाँ पर खत्म कर दो, अगर वो यहाँ से भाग जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसने भी यहाँ पर रुकने का डिसाइड किया तो वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। तब वहाँ पर जुई के पास एक यंग मास्टर आता है, जो कि वांडू सेक का यंग मास्टर है, जो खुद भी एक डीमन सेक्ट ही है, चार डीमन सेक्ट में से एक। और इस यंग मास्टर का नाम वु यान होता है, जो यहाँ पर आने के बाद जुई से कह रहा होता है, क्या तुम मेरा भविष्य देखकर बता सकती हो कि जिस रास्ते में मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे जाने के बाद शक मिलेगी भी या फिर नहीं, क्योंकि मैं अभी यहाँ से वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर ही जा रहा हूँ ताकि वहाँ से देख सकूँ कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। फिर जुई जो होती है वो उसे कह रही होती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि आगे तुम्हारा लक अच्छा होने वाला है या फिर बुरा, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारा नाम इस पेपर के ऊपर मुझे लिख कर देना होगा। तभी वहाँ पर चांशेंग सेकेट जो डिसाइपल होते हैं वो सभी वो यहाँ से कह रहे होते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता कि हम लोग यहाँ पर सभी को भगा रहे हैं, इसलिए यहाँ से भाग निकलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तब जो वो यान होता है इतने स्टाइल के साथ उस पेन को घुमाते हुए पेपर पे अपना नाम लिख रहा होता है कि उस पेन के अंदर से निकल रहे ऑरा की वजह से सारे के सारे चांशेंग सेकेट डिसाइपल वहां से दूर जाकर गिरने लग गए थे, कोई भी वो यान के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता। और जैसे वो सभी वहां से दूर आकर गिरते हैं उनके अंदर से पॉइजन बाहर निकलने लग गया था, जिस चीज से किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर इस वो यान ने उनके साथ कर क्या दिया। वो तो पॉइजन का शिकार हो चुके हैं, जिस वजह से कुछ ही टाइम के अंदर इनकी यहाँ पर जान चली जाएगी, इसलिए वो सारे के सारे लोग डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद जोई जो होती है वो यान का नाम देकर पे भविष्यवाणी करने की कोशिश करने लगती है ताकि बता सके कि जिस रास्ते पे अभी वो यान जा रहा है उसे वहां पर सक्सेस मिलेगी भी या फिर नहीं। और काफी देर तक उसके बाद जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वो भविष्यवाणी कर रही होती है, जिसके बाद वो वु यान से कहती है, मुझे यहाँ पर तुम्हारा लक अच्छा दिखाई दे रहा है, हो सकता है जहाँ पर तुम जा रहे हो वहाँ पर तुम्हें सक्सेस मिलने के ज्यादा चांस है। ये सुनकर वु यान जो होता है वहाँ पर जोई का शुक्रिया करने लगता है उसे इतनी अच्छी ऑफर देने के लिए। साथ ही उससे वो ये भी कहता है कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया है, उसे भी अपना भविष्य दिखवाना है, तो क्या तुम उसका भी भविष्य देख के बता सकती हो कि उसे भी आगे चलकर सक्सेस मिलने वाली है या फिर नहीं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जो मेरा दोस्त है वो थोड़ा अजीब किस्म का इंसान है। जिसके बाद वु यान जो होता है फॉर्चून टेलर को पैसे दे देता है जितना उसे कहे थे, वु यान वहाँ पर उस फॉर्चून टेलर को उससे ज्यादा ही पैसे दे देता है। और अब वहाँ पर जब वु यान का दोस्त आ रहा होता है उसके आने से पहले पूरा का पूरा मौसम ही वहाँ पर बदल जाता है, बिल्कुल काले बादल छा चुके थे और वहाँ पर तूफान आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शियाफान ही आ रहा है, जिसके आने की वजह से यहाँ पर तूफान आ चुका है। तब वहाँ पर शियाफान आता है जो वहाँ पर रखे पेपर के ऊपर अपना नाम लिखना शुरू कर देता है, और उसने यहाँ पर अपना नाम शियाफान के बजाय घोस्ट ली लिखा होता है, क्योंकि जब से उसने घोस्ट सेट को ज्वाइन किया है उसने अपना नाम शियाफान से हटाकर घोस्ट ली रख लिया है। और जब जुई उसे पढ़ती है तो वो एकदम ज्यादा हैरान रह जाती है कि तो यही वही घोस्ट ली है जिसके नाम सुनकर ही सारे लोग डर जाते हैं, तो आखिर इसे क्या जरूरत पड़ गई मेरे सामने आकर मुझसे अपना फ्यूचर के बारे में जानने की, ये तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि खुद ही से अपना फ्यूचर लिख सकता है। लेकिन अभी वो यहाँ पर वो नहीं पहचानी होती कि ये शियाफान ही है जिसे वो बचपन में देखा करती थी, लेकिन शियाफान ने उसे पहचान लिया होता है कि वे उसी फॉर्चून टेलर के साथ रहने वाली छोटी लड़की है। तब वो यान जो होता है जुई से कह रहा होता है, तुम इस बार यहाँ पर गलत हो, शियाफान भले से पावरफुल है लेकिन वो खुद से अपना फ्यूचर नहीं लिख सकता, उसके पास अभी डिमोनिक पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन हर एक इंसान पैदा होते साथ ही
डीमन तो नहीं होता, उसके पीछे भी काफी बड़ी कहानी होती है। उसके बाद वुयान और शुआफान दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोनों डीमन सह के अलग अलग यंग मास्टर होने की वजह से एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन इनकी दोस्ती उतनी भी ज्यादा गहरी नहीं कि वो हर खतरे में एक दूसरे का साथ दें। ये देखकर जो फॉर्चून टेलर होता है वो डर के मारे वहां से भाग रहा होता है, क्योंकि यहां पर शुआफान और वुयान ने दोनों ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, और अगर यहां पर ये दोनों लड़ेंगे तो पूरी की पूरा गांव यहां पर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो दोनों वहां पर फाइट नहीं करते, अपनी अपनी पावर को वापस अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर ये दोनों फाइट करने के लिए तो नहीं आए। साथ ही वहां से थोड़ी दूर बैठकर जुई की जो बड़ी बहन होती है ये सारी चीजें देख रही होती है। इसके बाद वुयान जो होता है शुआफान से कह रहा होता है, हम दोनों काफी टाइम बाद मिले हैं, मैंने तो कब से तुम्हारा सिर्फ नाम ही सुना था, आज काफी टाइम बाद मैंने तुम्हें देख भी लिया, मुझे तो लगता है तुम भी यहां पर उसी रेयर ट्रेजर के लिए आए हो, और जहां पर तुम आ जाओ और तुम्हें वो ट्रेजर ना मिले ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुमने पहले से उस ट्रेजर को हासिल कर लिया होगा, इसलिए अब मेरा वहां जाना तो बिल्कुल बेकार ही होगा। लेकिन तब शुआफान जो होता है वो भी वुयान से कह रहा होता है, तुम्हारे पास तो भी पॉइजन की पावर है ना, जब तुम्हारे पास इतनी खतरनाक पावर हो और तुम मेरे से वैसे भी सीनियर, तो आखिर जो चीज तुम्हें चाहिए होगी उसे लेने की आखिर कौन ही हिम्मत कर सकता है। लेकिन अब वुयान जो होता है शुआफान से कह रहा होता है, अरे अरे तुम तो गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर उस ट्रेजर को लेने के लिए नहीं आया, तुम ही उस ट्रेजर को ले लो, क्योंकि मैंने वैसे भी दूसरों की चीजों में टांग अड़ाना कम कर दिया है। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद शुआफान जो होता है जुई से कह रहा होता है, तुम पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो लेकिन अभी तक के वैसे ही दिखाई देती हो। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन अभी तक के जुई उसे नहीं पहचान पा रही होती है कि असल में ये वही शुआफान है जो कि उसके बचपन में एकदम कमजोर और एकदम मासूम किस्म का इंसान था, लेकिन अब वो यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देने लग गया है। उसके बाद वहां पर वाइल्ड डॉग आ जाता है जो जुई से कह रहा होता है, मैंने देखा यहाँ पर तुम लोगों को उनका भविष्य बता रही हो, इसलिए मेरा भी ट्राई करो, मैं भी तो देखूं तुम यहाँ पर कितना अच्छा लोगों को भविष्य बता पाती हो। लेकिन तब वहां पर शुआफान का बंदर आ जाता है जो वाइल्ड डॉग को वहां पर भगाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे उस वाइल्ड डॉग के इंटेंशन सही नहीं दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जुई जो होती है वाइल्ड डॉग को देखकर कह रही होती है, तुम्हारी शक्ल तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैंने ऐसे इंसान को लाखों में एक को देखा होगा, और जितनी अजीब तुम्हारी शक्ल है उतनी अजीब ही तुम्हारी किस्मत भी है, मुझे नहीं लगता कि आगे चल के तुम्हारे पास कोई भी लक आने वाला है, तुम जहां पर भी जाओगे वहां तुम्हारे साथ मुसीबत ही चलेगी। ये सुनकर तो वाइल्ड डॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम खाली यहां पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती हो, इसलिए मैं तो तुम्हें यहां पर तुम्हारे इस काम को करने के पैसे भी नहीं दूंगा। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वहां पर शुआफान का बंदर आ जाता है जो पूरे गुस्से के साथ वाइल्ड डॉग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि उसके अंदर से उसके पैसे छीन सके, जिसके बाद उसके अंदर से पैसे निकाल कर जुई को लाकर दे देता है। ये देखो तो वाइल्ड डॉग भी हैरान था कि आखिर ये बंदर किसका है जिसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी है जो मुझसे पंगा लेने के लिए आ गया। लेकिन अभी वो यहाँ पर शांत हो जाता है और उसे कहता है, देख लेना मैं बाद में आकर तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। और इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जुई जो होती है उस बंदर से कह रही होती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो यहाँ पर मेरा काम आसान कर दिया। जिसके बाद वो उसे खाने के लिए कुछ दे देती है। ये देखकर तो बंदर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो खाने की चीज लेकर वहां से शुआफान के पास जाने के लिए निकल जाता है। तब वहां पर जुई की बड़ी बहन आती है जो जुई से कह रही होती है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अभी तक कि तुम कैंडी वगैरह खाया करती हो, तभी तो तुमने अपनी कैंडी इस बंदर को दे दी। तब अपनी बड़ी बहन को देखकर तो जुई वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो सभी भी वहां से वेस्टर्न स्वाम्प पर जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम चांचेंग से के डिसाइपल को देखते हैं जो सभी उसी वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर होते हैं। वहां आने के बाद वो किसी खास जगह की तलाश कर रहे होते हैं, जिसके बाद अपने साथियों से कहते हैं, जल्दी से जाकर हमारे एल्डर को इस बारे में बताओ कि हमें सही रास्ता मिल चुका है जहां पर हमें वो ट्रेजर मिल सकता है। इधर जुई अपनी बड़ी बहन के साथ वहां से उसी वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर आ जाती है, जहां आने के बाद उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये अजीब सी जगह कैसी है और यहाँ पर तुम मुझे क्यों लेकर आई हो। लेकिन अभी वहां पर उसकी जो बड़ी बहन होती है उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे कह रही होती है, बस तुम शांत रहो, तुम्हें धीरे धीरे करते हुए सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी। लेकिन जैसे वो सभी थोड़ी दूर आते हैं वहां पर कई सारे मॉन्स्टर ने उन्हें वहां पर घेर लिया था। लेकिन तब वहां पर जुई की जो बहन होती है वो अपने ऑरा को एक्टिवेट करते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर का वहां पर एक सेकंड के अंदर ही खेल खत्म कर देती है। तब वहां पर वुयान आता है। यहां पर आने के बाद जुई की बड़ी बहन से कह रहा होता है, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ किसी इंपॉर्टेंट काम को डिस्कस करने के लिए आओगी, लेकिन तुम तो अभी तक वहां पर आई ही नहीं और देखो तुम मुझे यहां पर मिल गई हो। जिस पर जुई की जो बड़ी बहन होती है वुयान से कह रही होती है, तुम्हें पता है 3 दिनों पहले मेरे ही वुयान सेट का डिसाइपल 10,000 पॉइजन सेट के किसी बंदे के हाथों मारा गया था। उसके पास भी पॉइजन की पावर थी, तो इसलिए मुझे शक है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो तुम ही थे। जिस पर वुयान कह रहा होता है, आखिर मैं अपनी पॉइजन की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे सेट के डिसाइपल को क्यों ही मारूंगा, वैसे भी ये मैटर हमारे वांडू सेट के रिलेटेड कुछ भी नहीं है, हमारी सेट की तो तुम्हारे सेट के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, तो आखिर मैं तुम्हारे वहां पर जाकर डिसाइपल को क्यों ही मारूंगा। इसलिए तुम्हें मामले की पहले अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए कि आखिर किसने वहां पर ऐसी हरकत करने की कोशिश की। इससे जुई की जो बड़ी बहन होती है वो जुई से कह रही होती है, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुको, मैं कुछ टाइम में यहाँ पर वापस आती हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। अब वहां पर काफी तेज बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, जिस वजह से फॉर्चून टेलर और जुई एक पेड़ के नीचे आकर खड़े होते हैं। तब वहां पर शुआफान का बंदर भी आ जाता है, जिसका मतलब साफ था कि शुआफान भी यहीं कहीं आस पास ही होगा। तब वहां पर वाइल्ड डॉग आता है जिसके पास एक छतरी भी थी। वो वहां पर आने के बाद जुई को भीगते हुए देखकर ये सोच रहा होता है कि जैसे मैं इसके पास जाऊंगा और ये मेरे पास छतरी देखेगी तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और मेरे सामने
आकर विनती करने लगेगी कि मुझे भी अपनी छतरी में ले लो। तब उस टाइम मैं थोड़ा नखरे दिखाने के बाद उसे अपनी छतरी में ले लूंगा। लेकिन जैसे ही वो ये सारी चीजें सोच रहा होता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जोई जो होती है उसे कह देती है, तुम अपनी छतरी अपने पास रखो, मैं यहाँ पर ऐसे ही ठीक हूँ। जो सुनकर तो वाइल्ड डॉग भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि इसने तो मुझे ऑफर दिए बगैर ही यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। पर तब भी उसे यहाँ पर जोई के ऊपर दया आ गई होती है, इसलिए वो अपना अम्ब्रेला जो होता है जोई को दे देता है ताकि वो यहाँ पर भीग कर बीमार ना हो जाए। ये देखकर जोई जो होती है वाइल्ड डॉग से कह रही होती है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो जो तुमने यहाँ पर मेरी मदद की। ये सुनकर वाइल्ड डॉग जो होता है उसे कह रहा होता है, मैं और अच्छा इंसान ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुम जानती भी हो मैं एक डीमन सेट से आता हूँ, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। मैं तो तुम्हारे जैसे लोगों को मार डालता हूँ, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाता। ये सुनकर जो फॉर्चून टेलर जो होता है वो वहां पर वाइल्ड डॉग का ही मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुम और लोगों के लिए खतरनाक हो गए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जरा अपनी शक्ल को तो देखो, तुम ऐसी शक्ल लेके सिर्फ बच्चों को ही डरा सकते हो, उसके अलावा कोई भी तुमसे थोड़ी डरेगा। जो सुनकर तो वाइल्ड डॉग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वहां पर फॉर्चून टेलर को मारने वाला होता है। लेकिन तब भी वो वहां पर रुक जाता है क्योंकि उसके मारने से पहले ही फॉर्चून टेलर पीछे मुड़ते हुए पानी में जाकर गिर चुका था, इसलिए वो वहां पर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। जिसके कुछ टाइम बाद वहां पर बारिश भी खत्म हो चुकी थी और जैसे बारिश वहां पर खत्म होती है वहां पर शियाओफान के बंदर को अजीब सा तालाब दिखाई देता है, जो कि असल में वो तालाब नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर का घर था, जिसके अंदर से वो मॉन्स्टर निकल कर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां पर वाटर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो वहां पर अपने रियल फॉर्म में आ चुका था और वो वहां पर आने के बाद जुई के ऊपर अटैक कर देता है। पर जैसे उसका अटैक यहां पर लगता है, इससे पहले वहां पर उसकी बड़ी बहन आ जाती है जो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देती है। लेकिन तब भी वो बचकर वहां से भाग रहा होता है, पर जैसे वो वहां से भाग कर दूर जा पाता है, इससे पहले वहां पर शियाओफान आ जाता है जो दूर से ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे अपनी मुट्ठी बंद करता है, वो पानी वाला मॉन्स्टर शियाओफान से बहुत ही ज्यादा दूर था। लेकिन तब भी वो शियाओफान की मुट्ठी बंद करने की वजह से वहां पर उसकी पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ गए होते हैं और वो एक ही सेकंड के अंदर वहां पर मारा जाता है। उसके बाद वहां पर शियाओफान आता है जो जोई से कह रहा होता है, क्या तुम यहां पर ठीक हो? और अब यहां पर वुयान भी आ चुका था जो वहां पर आने के बाद उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर भी यहां पर मारा जा चुका है। उसके बाद शियाओफान, वुयान और जोई की जो बड़ी बहन होती है वो तीनों आपस में आकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो फॉर्चून टेलर भी हैरान था कि आखिर ये तीनों एक साथ मिल कैसे गए, इन सभी के तो सेट बिल्कुल अलग अलग है, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। उसे लग रहा होता है कि हो ना हो जोई की जो बड़ी बहन है वो वुयान को पसंद करती होगी, इसलिए तो वो उसके साथ ही। लेकिन जैसे वो कुछ आगे सोच पाता, वुयान की बड़ी बहन का गुस्से वाला चेहरा देखकर वो वहां से भाग निकलता है और उस मॉन्स्टर के पास आकर कह रहा होता है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैंने इसके बारे में सुना था कि ये हजारों किलोमीटर दूर माउंटेन में रहता है, लेकिन आखिर यहाँ पर कैसे आ गया, इसका यहाँ आना तो बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है। उसके बाद वुयान जो होता है जोई की बड़ी बहन से कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्यों आया था? लेकिन वो वहां पर उसके कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद शियाओफान और बाकी सभी वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि अभी उनका यहाँ पर काम तो शुरू ही नहीं हुआ है, उन्हें यहाँ पर ह्यूमन के साथ फाइट करते हुए उस ट्रेजर को भी हासिल करना है। जिसके जाने के बाद जोई की बड़ी बहन जो होती है उसे कह रही होती है, अगर तुम्हें कभी भी दोबारा से शियाओफान या फिर बाकी कोई भी ऐसा दिखाई दे जिसके पास काफी ज्यादा पावर हो तो उसे थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि वो सभी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा भी हो सकते हैं। उसके बाद वहां पर तूफान से आने लगता है। ये देखकर वो जो फॉर्चून टेलर होता है वो सभी से कह रहा होता है, लगता है तूफान से पहले वाली आंधी आ चुकी है और अब यहाँ पर जो तूफान आएगा वो इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि जिसे लोगों ने आज तक कभी भी विटनेस नहीं किया होगा। दूसरी तरफ हम चांशन सेके एल्डर को देखते हैं जिसके पास का साथी आता है, जो वहां पर आने के बाद कह रहा होता है, हमारे डिसाइपल ने सही रास्ते का पता लगा लिया है जहां पर जाने के बाद हमें हो सकता है वो ट्रेजर मिल जाए। लेकिन वहां पर घोसेक, वांडूसेक और बाकी अलग अलग सेट के भी लोग आ चुके हैं जो सभी हमसे पहले वहां पर पहुंच चुके, तो अब हमें यहां पर क्या करना चाहिए? क्या हमें भी वहां पर अपने और साथियों को भेजना चाहिए? लेकिन जितने भी लोग वहां पर गए हैं उन्होंने अपने सेट के किसी भी डिसाइपल को नहीं लाया, लेकिन बस वहां पर अपने अपने सेट के सबसे खास इंसान को लेकर आया है। जैसे कि घोसेक ने वहां पर सिर्फ शियाओफान को ही भेजा है और वांडूसेक ने वहां पर सिर्फ वुयान को भेजा है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने यहाँ पर किसी खास इंसान को भेजना चाहिए या फिर सिपाहियों को भेजना चाहिए? लेकिन अभी जो वहाँ एल्डर होता है वो अभी कुछ भी जवाब नहीं देता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।